हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SMSW व्लॉग्स। आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से रमज़ान का 15वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आई होप आप सबको हमारे व्लॉग्स पसंद आते होंगे। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे हम सब लोग, मतलब मैं, सुमेर, अम्मी और बच्चे जा रहे थे आज लहम सुक, जो कि रियाद की सबसे बड़ी मीट मार्केट है, क्योंकि आज अब्बा हमारे साथ नहीं आए थे। अब्बा रोज़े के बाद थक चुके थे इसलिए अब्बा हमारे साथ नहीं आए थे, तो आज मैं, अम्मी, सुमेर और बच्चे ही गए थे। तो ये है लहम सुक, जो कि मीट की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अंदर सिर्फ मीट ही नहीं, फ़िश मार्केट भी है। जो लोग रियाद के अंदर रहते हैं उनको ये मार्केट ज़रूर पता होगी, और स्पेशली जो लोग भत्ता के अंदर रहते हैं या भत्ता के नियरेस्ट रहते हैं उनको तो ये मार्केट पक्का से पता होगी, क्योंकि ये जो मार्केट है, ये जो लहम सुक है, ये भत्ता के अंदर है। और यहाँ पे सुमेर ने मालिक को इसलिए मारे थे क्योंकि मालिक जो है सुमेर को बहुत सता रहा था, और फिर भी वो मार खाने के बावजूद भी सता रहा था। और उसके बाद मेरे पास आके वो कंप्लेंट कर रहा था कि मम्मा मुझे अब्बू ने मारा। देखो कितनी बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। हमें तो बहुत, हम लोग यहाँ पे बहुत चले, बहुत लंबा चलना पड़ा, क्योंकि जो शॉप थी जहाँ से हमें गोश्त खरीदना था वो बहुत एंड में थी। तो फाइनली हम लोग शॉप में आ चुके थे जहाँ से हमें गोश्त खरीदना था। गोश्त हम लोगों ने ले लिया था, और यहाँ पर हम लोग कीमा ले रहे थे, और जो ये भाई थे वो हम लोगों को कीमे के अच्छे से पैकेट्स बनाकर दे रहे थे। तो लहम सुक का काम हमारा ख़त्म हो चुका था, और यहाँ से अब हम जा रहे थे मदीना सुपरमार्केट, क्योंकि हमें वहाँ पे थोड़ी सी ग्लॉसरी करनी थी, कुछ सामान ख़रीदना था हम लोगों को, और मुझे एक अच्छा सा जूसर ख़रीदना था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मदीना सुपरमार्केट। यहाँ पे जो मालिक है वो अम्मी को कह रहा था कि अम्मी मुझे इस ट्रॉली में बिठा के खींचो, और अम्मी उसको इस ट्रॉली में बिठा के खींच भी रहे थे, क्योंकि वो कह रहा था मेरा पैर दुख रहा है, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस मामा मामा हाय नानी हाय लेके जा रही हूँ उसको पे। जो कुछ हम लोगों को मदीना मार्केट से ख़रीदना था हम लोगों ने ख़रीद लिया था। उसके बाद में जब हम लोग मदीना मार्केट से बाहर निकले तो यहाँ पे सामने दो टॉय कार बनी हुई थी जिसके अंदर बच्चे बैठ के खेल रहे थे, और मालिक तो इस कार में बैठ के इंजॉय कर रहा था, लेकिन जो वहाब था वो डर के बहुत रो रहा था। यहाँ पे आ गए थे हम लोग घर, और ये जूसर ग्राइंडर मैंने ख़रीदा था मदीना से, जो कि काफ़ी टाइम से मुझे लेना था, और मैं सुमेर से बोल रही थी कि मुझे एक अच्छा वाला जूसर ग्राइंडर ख़रीदना है, और फाइनली मुझे एक अच्छा वाला जूसर ग्राइंडर मिल ही गया। और ये इतना ज़बरदस्त ग्राइंडर है कि आप इसमें जो भी फ्रूट को ग्राइंड करोगे तो उसका जो वेस्ट है वो एक तरफ चला जाएगा और जो जूस है वो एक तरफ आ जाएगा, और इतना ज़बरदस्त है। और रमज़ान में तो ये बहुत ही अच्छा और यूज़फुल है। यहाँ पे जो जूसर ग्राइंडर हम लोग ने लाया था उसको हम लोग ट्राई कर रहे थे, मैं और सुमेर, कि ये कैसा जूस, मतलब ग्राइंड करके निकालता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो जूसर ग्राइंडर है वो बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल है, और ये बहुत ही अच्छे से जूस निकाल रहा था, और वेस्टेज जो है वो एक तरफ जा रहा था और जूस इस जग में आ रहा था, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फाइन होकर निकल रहा था, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सैरी की प्रिपरेशन, और यहाँ पे मैं बना रही थी काबुली पुलाव, जो कि सुमेर की फरमाइश थी, और मैं ये काबुली पुलाव फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो सुमेर मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे, और सुमेर मुझे बता भी रहे थे कि कैसे बनाना है इसको, और वो मेरा पूरा साथ दे रहे थे। और ये इतना ज़बरदस्त बना था काबुली पुलाव, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था। तो ये हम डाल रहे हैं गोश्त। ये हम लोग इसके अंदर मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ही मसाला डालेंगे, ठीक है। काबुली पुलाव
काबुली पुलाव बेहतरीन पुलाव, जरा हिला के साइड के अंदर थोड़ा हमने ये रखे ऊपर से डालने के लिए किशमिश विशमिश। इधर डाल इसके ऊपर किशमिश डाल दो। वाओ वाओ वाओ। फाइनली यहाँ पे हमारा काबुली पुलाव बनके रेडी हो चुका था और यहाँ पे मैं सर्व कर रही थी। और जो ये काबुली पुलाव था ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी था, इतना ज़बरदस्त बना था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बनाया है। एक्चुअली ये पूरा इंस्ट्रक्शन सुमेर ने दिए थे इसकी कि कैसे बनाना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था। सुमेर का आइडिया था पूरी तरीके से और मैं तो बस हेल्प कर रही थी, और मेनली तो सुमेर ही इसको बना रहे थे और ये बहुत ही टेस्टी बना था। तो आज की सैरी हमारी ये थी और आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गया था। हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे और उसके बाद में बच्चों ने अच्छा इन्जॉय भी किया बाहर जाकर। और इसी के साथ यहाँ पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है और थैंक यू फॉर वॉचिंग।